ऊपर चाहे कितने भी बड़े होटल हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय करने के लिए गंगा जी में बैठ के आराम से मैगी खाएंगे, चाय कॉफी पियेंगे। कोई ये नहीं बोलता कि हाँ ये चीज हमें पसंद नहीं आई, आपने बनाई है। कॉफी हो, चाय हो, मैगी हो। घर में भी काम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, सुबह 6 बजे उठना। देखो बहुत ही क्यूट सी स्माइल के साथ, बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ दीदी हमारे लिए बहुत ही अच्छी मैगी तैयार कर रही है, तो आपको कस्टमर्स का बहुत प्यार मिलता होगा। बहुत प्यार मिलता है, गंगा मैया हमारे पास में है, इनके सहारे से हम कमा रहे हैं, पैसे खा रहे हैं। तो ये हम हैं ऋषिकेश में, तो यहाँ पे हमें एक मैगी का स्टॉल दिखा है। सबसे पहले नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है आपका? शिवानी। यहाँ पे इस टाइम ड्राफ्टिंग ज्यादा आती है ना, भीड़ भी काफी रहती है। हाँ। मई जून में छुट्टियाँ पड़ती हैं बच्चों की, और सरकारी छुट्टियाँ भी होती हैं, मेन रोड पे लगाने भी नहीं देते, और यहाँ घाट है, पैसे लगते हैं, काम अच्छा निकल जाता है यहाँ पे। तो गंगा मैया का ही आशीर्वाद है। कितनी की रोजी रोटी चल रही है? सब दुकानें लगा रहे हैं गंगा मैया, सबकी रोजी रोटी चल रही है यहाँ। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है? यहाँ पे मैगी, कॉफी, चाय, छोले कुलचे भी लगाए हैं यहाँ पे, बिरयानी भी लगाई है। कुछ नहीं खाते, वो हमारा बेकार जाता है, इसलिए हमने खाली अब चाय, मैगी, कॉफी लगाई है। प्लेन भी है, जो वेजिटेबल मांगते हैं वो भी है। हमें हो गए 3-4 साल। अरे वाह, रहते कहाँ पर हो? यही ऋषिकेश, राम झूला ऋषिकेश के पर। तो मतलब मैगी की दीवानगी अलग, मैगी की दीवानगी है यहाँ पे सब कोई। सबसे ज्यादा तो इसलिए खाते हैं यहाँ पे एंजॉय के लिए, कि पानी में बैठेंगे पाँव डाल के, ऊपर चाहे कितने भी बड़े होटल हैं, सबसे ज्यादा एंजॉय करने के लिए गंगा जी में बैठ के मैगी खाते हैं। अच्छा, तो आज कौन सी मैगी खिलाओगे? आज मैं आपको ऋषिकेश की पहाड़ी मैगी खिलाऊंगी, जो बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी, आपको भी पसंद आएगी, आप खाना। तो मुझे बताओ आपके घर में कौन कौन है? घर में मैं, हस्बैंड, 2 बच्चे। अब लगाओ एक कमरा है, उसी के 5,000 रुपए देते हैं यहाँ पे। कोई किचन नहीं, कोई सुविधा नहीं, पति की 8,000 रुपए सैलरी है, क्या होता है उसमें। घर में भी काम करते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, सुबह 6 बजे उठना यहाँ पे, फिर दुकान लगाना, फिर शाम को थक के फिर खाना बनाना। तो यहाँ पे अभी कौन सी सब्जी काट रहे हो आप? ये हम शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज। तो यहाँ पे कटिंग हो रही है, कैप्सिकम हमारा कट गया और अब कटने वाला प्याज। आपका पूरा का पूरा सिलेंडर है, ये पूरा का पूरा सामान है, ये कैसे लेके आते हो? ये हम गाड़ी से रोज ले जाते हैं, रोज लाते हैं। तो ये गाड़ी में ये भी पैसा खर्च होता होगा या फिर अपनी गाड़ी है आपकी? स्कूटी है। अच्छा, स्कूटी है। ये डलगी पानी में सब्जियाँ। तो यहाँ पे ताजे मटर भी डाल रहे हो? मटर वगैरह सब डालते हैं। सब डाल के दोगे सिर्फ 50 रुपए में? तो यहाँ पे ये सब्जियाँ अभी उबल गई हैं? उबल रही हैं अभी। अच्छा, अभी ये उबल रही हैं। तो एक पैकेट पूरा मैगी का पड़ता है। ये मैगी क्रश करके क्यों डालते हो आप? वो लंबी लंबी रहती है ना, तो फिर प्लेट में आ भी नहीं पाती। तो मुझे बताओ, जैसे ये कूड़ा वगैरह है सारा आप अपने साथ लेके जाते हो, यहीं पे थ्रो करते हैं लोग? आते हैं यहाँ पे घूमने, सब गंदगी करते हैं। जो समझदार है वो हमारे डस्टबिन में डालते हैं कूड़ा, बहुत से खा के वहीं छोड़ जाते हैं। ऊपर से कोल्ड ड्रिंक लाते हैं, चिप्स वगैरह सब खा के यहीं पे छोड़ जाते हैं। फिर वरना नगर पालिका वाले आते हैं, वो हमें परेशान करते हैं कि गंदगी हो रही है, दुकान हटाओ। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये उबलना शुरू हो गई। कितना टाइम लेती है मैगी बनने में? 10 मिनट लग जाती है अच्छी मैगी बनाने में। 2 मिनट में कहाँ बनेगी, 2 मिनट में तो पानी ही उबलता है। अगर अच्छे से पकाएंगे तभी तो स्वाद आएगा। हाँ। ऐसे कच्ची बच्ची उबाल के उल्टी सीधी दे देंगे तो स्वाद भी नहीं आएगा। स्वाद भी नहीं आएगा, बंदा दूसरी बार आएगा भी नहीं। देखो बहुत ही क्यूट सी स्माइल के साथ, बहुत ही प्यारी सी स्माइल के साथ दीदी हमारे लिए बहुत ही अच्छी मैगी तैयार कर रही है। आप ये खा के देखना, जन्नत का मजा मिलने वाला है। दिखा दो जरा मैगी, ऋषिकेश वाली पहाड़ी मैगी। यहाँ पे पहली बार ऐसा है कि मुझसे ब्लॉगिंग होनी रही है, मेरे मुंह में आ रहा है पानी। खुशबू दीदी, खुशबू इतनी ज्यादा टेस्टी है। ये मैगी के अलावा और एक्स्ट्रा मसाला है। अच्छा, ये सीक्रेट मसाला है? हाँ जी, जिससे स्वाद अच्छा आता है। स्वाद अच्छा आता है। ये बन गई आपकी मैगी, अब हम इसको प्लेट में रखेंगे। ये इसके नीचे गत्ता लगाते हैं जो गर्म ना लगे। ऋषिकेश वाली पहाड़ी मैगी बन के तैयार है, टेस्ट करके देखो। मैगी हमने बनवा ली है, हमारी सुपर वुमेन ने ऋषिकेश वाली पहाड़ी मैगी हमें बना के दी है, उनको जरूर सपोर्ट करना है। लेकिन इसका टेस्ट बता दो सबसे पहले कि इसका टेस्ट कैसा है। तो वेजिटेबल्स वगैरह खूब भर भर के इसमें डाली हुई है। सो अगर टेस्ट की बात करें ना यार, मैगी तो मैंने हर जगह खाई है, बहुत सारी तरह की मैगी खाई है, लेकिन मैगी में भी ना जो ऊपर से इन्होंने मैजिक मसाला डाला अपना स्पेशल वाला सीक्रेट मसाला, उसका टेस्ट बता रहा है मैगी बहुत अच्छी तरीके से पकी हुई है, वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। तो मुझे ये ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी लगी, बहुत हिट लगी। एक बार एड्रेस बता दो, कहाँ पे मिलोगे आप? हम ये गौ घाट पे खड़े हैं, ऋषिकेश की जगह है ये। अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो इनसे मैगी जरूर ट्राई करें, गंगा के नजारों के साथ एंजॉय करते हुए। सो मैं यहाँ पे अपनी मैगी को एंजॉय करते हुए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, हंसाते रहिए, और अगर कुछ रहना है तो मैं इतना खाते रहिए। कैसे एंजॉय कर रहे हैं सब?